हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है artovidya.com पर। और ये आप जो आज हम आपको बना के दिखाना चाहते हैं वो है एक लैंडस्केप, लेकिन उसमें मैं एक अलग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। आपने मोस्टली अब्रॉड के आर्टिस्ट जितने भी हैं उनको यूज़ करते हुए देखा है, तो मैं चाहता था कि आपको भी इसकी नॉलेज मिल सके, आप भी देख सकें कि किस तरह से ये चीज़ें की जाती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक लैंडस्केप ड्रॉ किया हुआ है। लैंडस्केप ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर आप कुछ गम जैसी चीज़ देख रहे हैं, इसको मास्किंग ग्लू बोलते हैं। मास्किंग ग्लू की बॉटल्स आप देख सकते हैं, ये आपके पास जो है मास्किंग ग्लू की बॉटल है और इसमें एक लिक्विड है, आप इस लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं। जो भी लिक्विड है वो पेस्टिंग फॉर्म में है और पोस्टर कलर की फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ ड्राइंग एक निकाल करके उसमें यहाँ मेरे को वाइटनेस चाहिए, वहाँ पे मैंने इस ग्लू का जो है यूज़ किया। तो मास्किंग ग्लू लगाते वक्त याद रखें कि ड्राइंग के जिस पार्ट पे आपको वाइटनेस चाहिए, वाइट इफेक्ट चाहिए, उसी पार्ट पे उस ग्लू को यूज़ आपने करना है। तो अब इस ग्लू को कैसे जो है हम यूज़ करेंगे इसको आप बाद में देखेंगे, अभी मैं इसको जो है कंप्लीट करता हूँ। अभी इस पेंटिंग का मज़ा लीजिए। तब तक सबसे पहले मैं इसकी जो है ग्राउंड जो है बैकग्राउंड लगाने जा रहा हूँ। बैकग्राउंड में मैंने जो है थोड़ा बड़ा ब्रश यूज़ किया ताकि ये पेंटिंग आपको जल्दी से कंप्लीट लुक में नजर आ जाए। आप छोटा ब्रश भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने कलर को जल्दी से स्प्रेड कर दिया, अब मैं स्मॉल ब्रश का यूज कर सकता हूं। थोड़ा सा पोस्टर जो है कलर यूज़ किया है मैंने बीच में। अच्छी तरह से मिक्स करें उसको ग्राउंड को, ताकि पिछला वाला जो ग्राउंड है आपका वो अच्छा लगना शुरू हो जाए। तब तक आप मिक्सिंग पे ध्यान दें, और अगर चाहें तो कुछ क्लाउड्स भी पीछे दे सकते हैं। अगर आपको क्लाउड्स नहीं देने तो आप प्लेन ग्राउंड भी पीछे रख सकते हैं। जब मिक्स हो जाए आपका ग्राउंड, तब आप आगे उसको कर सकते हैं। मैंने बहुत लाइट रखा है पीछे का ग्राउंड, ताकि अगले वाले जो कलर शार्प आ सके। आप पीछे वाले ग्राउंड को लाइट ही रखें, ज़्यादा डार्क ना करें।
थोड़ा सा डार्क सेक्शन साइड वाले ट्री की साइड्स पे आप देंगे ताकि आप वहां पे जो है कुछ बुश बना सके। यहां मैंने जो कलर यूज किया है उसमें है बर्नट अंबर और बर्नट साइना। और कुछ मैंने टॉप के ऊपर जो है थोड़ा सा ग्रीन भी दिया ताकि वो बुश जो है मैं डार्क सेक्शन से लाइट सेक्शन में लेके आऊं तो ग्रीन ऊपर से दिखाई देना शुरू हो जाए। काफी ज्यादा मिक्स करना होगा आपको इसको और कुछ डार्क कलर जो है साइड साइड पे ट्री के आप दे सकते हैं। इसी तरह से आप थोड़े से यहां पे पर्पल कलर के बुश दिखा सकते हैं लाइट लाइट। थोड़ा सा क्रिम्सन, थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू और थोड़ा सा मैंने इसमें वाइट यूज किया है ताकि ये पर्पल लुक आप देख सकें, थोड़ा सा आ जाता है इसका। ये टॉप के रखने आपने ऊपर बुश सारे जितने भी हैं टॉप टॉप पे हैं क्योंकि पीछे हमने बहुत सारा लाइट ग्राउंड दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगली वाली सारी चीजें हैं वो थोड़ी लाइट कलर में ही रहे। और अब हम थोड़े से क्लाउड्स पीछे दिखाते हैं। क्लाउड्स बनाते वक्त ध्यान रखें कि आपका ब्रश जो है बड़ा सॉफ्टली चल रहा हो। ज़्यादा दबाव डालने पर जो है आपके क्लाउड्स का जो कलर मिक्स हो जाएगा और इसलिए आप क्लाउड बना नहीं पाएंगे। जितने आप चाहें क्लाउड्स आपको लगे कि बैलेंस रहेगा उतने ही बनाएं, ज़्यादा भी ना बनाएं ताकि वो पिछली ग्राउंड को डिस्टर्ब करेंगे, नहीं तो उतना ही सेक्शन उनका रखें जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा सेक्शन बनाएं भी नहीं। अब देखें मैंने क्लाउड्स का जो है इफेक्ट पीछे दे दिया है और बाकी जो है मिक्सिंग जो है चल रही है जगह जगह पे। और अब मैं ट्री को जो है आप देखें यहाँ मास्किंग ग्लू आपको नजर आती है थोड़ी सी ऑफ वाइट कलर में, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। और मैं इसके ऊपर जो है अब कलर देने जा रहा हूँ तो आप ध्यान दें। मैंने इस साइड इसके पूरा ब्राउन कलर दिया लाइट ब्राउन और थोड़ा सा मैं फिर पर्पल दे रहा हूँ साथ में। और इसी तरह से मैं थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश में उसको ताकि ये बाकी ग्राउंड से थोड़ी अलग लगे। और यहां मैं फ्रंट पे कुछ येलो के स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, रेड भी है साथ में और थोड़ा सा ऑकर येलो। आप देख रहे हैं मैंने मास्किंग ग्लू को भी कवर कर दिया साथ में। अब ट्री को फुली इफेक्ट
दें, जैसा भी आप देना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है आप इसको फाइनल लिख देंगे। पहले आप ट्री को अपने कंप्लीट करें। जितना भी रियलिस्टिक फॉर्म में आप करना चाहते हैं करते रहिए। अभी भी देखिए आप, ये काफी मैंने थिक स्टंप लिया ट्री का, ट्री ट्रंक जो है बहुत ज्यादा थिक फॉर्म में है। और आप देख रहे हैं मैंने अब मास्किंग ग्लू भी सारी कवर कर दी है, और साथ साथ में ट्री की जो टेक्सचर है उस पे भी ध्यान दिया। देखिए एक ट्रंक जो है, ट्री ट्रंक जो है कंप्लीट हो गया। दूसरी से पहले हम जो है एटमॉस्फेयर इसका जो है थोड़ा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैंने येलो कलर फिल किया क्योंकि फ्रंट साइड से लाइट साइड से आ रहा है, तो उस मेन हमें ये भी याद रखना है कि जो हमारा लाइट सिस्टम है वो भी कम्प्लीटली दिखाई दे, ताकि ट्री के ऊपर जो रोशनी आ रही है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। और कुछ मैंने कैडमियम येलो मिक्स कर दिया बीच में, ताकि उस रोशनी को और ज्यादा इफेक्टिव दिखाया जा सके। थोड़ा सा टॉप पे मैंने व्हाइट का भी यूज किया। मास्किंग ग्लू आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, पोस्टर कलर में भी यूज कर सकते हैं, आप प्योरली वाटर में भी यूज कर सकते हैं, ओपेक टेक्निक में भी यूज कर सकते हैं, आप एक्रेलिक में भी यूज कर सकते हैं इसको। तो ये सब चीजें जो है आपको अब पता चली हैं, तो आप इसको करके देखें। और आप मास्किंग ग्लू जो है ये आप जो है मंगवा लें और फिर इस पे जो है काम शुरू करें। देखिए मैंने एक साइड पे यहाँ पर येलो दिया, फिर पीछे पर्पल, ताकि थोड़ा जो है उनका जो है प्रोस्पेक्टिव क्रिएट हो सके। अब मैं जो है आपको यहाँ के बुश कंप्लीट थोड़े से करता हूँ, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक उसका फॉर्म और नज़र आना शुरू हो जाए। देख रहे हैं मैंने ट्री के साइड पे भी, और मैं कुछ ब्रांचेस यहां से निकालता हूं, और ये इसी तरह से बिखराव थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि आपका रियल लुक जो है उसका आना चाहिए। और आप ट्री के टेक्सचर पे भी ज़्यादा ध्यान दें, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने ट्री का टेक्सचर इधर भी दिया, और अब फिर से एक जो है यहाँ से भी हम एक स्मॉल ब्रांच ऊपर की तरफ देंगे, हमारी ग्राउंड कि जो है अपर पार्ट से बाहर जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक ब्रांच हम देखते हैं। इसके बाद जो है हम टचिंग करते हैं इसको, और ग्रीन कलर, सेफ ग्रीन कलर का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से टॉप वाली ब्रांचेस के ऊपर भी आप स्मॉल टचिंग कर देंगे, और ताकि उसका थोड़ा सा रियल लुक आपको मिले। थोड़ा सा कवर कर लें ट्री का स्टंप भी आप, ताकि और नेचुरल थोड़ा सा इफेक्ट आए। और यहाँ पर भी इसी तरह से आप कुछ ब्रांचेस बीच में से दिखाई देनी चाहिए, छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। थोड़ा सा आप जो है यहाँ पर थोड़ा येलो का यूज़ करें,
ताकि आपके जो है पीछे डार्क ग्राउंड में जो है बुश दिखाई दे। किनारे पे टॉप पे आप जब भी ब्रांचेज बनाते हैं तो कोशिश करें कि अकॉर्डिंग टू ग्राउंड आपका जो है इफेक्ट आना चाहिए उसके ऊपर। तो अब मैं नीचे के इसी तरह से स्मॉल ग्रास स्मॉल बुश जो है दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए और ये सेक्शन हमारा अभी भी खाली है तो हम इसको कंप्लीट करते हैं अब। और बाद में आपको जो है मास्किंग ग्लू का इफेक्ट भी दिखाएंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इस सेक्शन में आप कुछ येलो टचिंग को बढ़ाएं ताकि हम जो है ट्री के साथ साथ कुछ और बुश दिखा सकें। और फिर से वैसे ही मैं डार्क कर रहा हूँ साइड्स के बुश। और देखिए क्योंकि इस साइड भी हमने डार्क रखा है तो इस साइड लाइट रखा है, तो इसी तरह से इसमें भी हम इसी साइड इसको डार्क रखेंगे। आप देखिए मैंने मास्किंग ग्लू के ऊपर भी कुछ स्ट्रोक्स लगा दिए हैं ब्रश के, तो आप भी इसको कर सकते हैं। कुछ मैंने रेड का यूज किया नीचे नीचे और फिर मैं इसके साथ साथ वह ऊपर ब्लैक और थोड़ा सा मैंने उसमें क्रिमसन मिक्स किया कलर का यूज कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप मास्किंग ग्लू के ऊपर से मैं ये कलर लगा दिया और मास्किंग ग्लू आपको जो है नजर आ रही है नीचे। थोड़ा सा टेक्सचर ट्री का और ज्यादा सेट करें। मैं कहीं पे चाहता था कि आपको वाइटनेस ज्यादा दिखाऊं तो इसलिए मैंने मास्किंग ग्लू का ज्यादा यूज भी किया। कहेंगे सिर्फ आप लोगों को जो है इसकी नॉलेज हो जाए इसलिए। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी डार्क सेक्शन के अंदर मास्किंग ग्लू लगा रखी है क्योंकि ये जो है आज का जो हमारा एपिसोड इसी पे ही डिपेंड है कि आपको मास्किंग ग्लू यूज करनी आनी चाहिए। इसी तरह से मैंने ये देखिए स्टंप जो है इधर का भी लगा दिया है और कुछ टेक्सचर इसके अंदर मैं थोड़ा सा देने की कोशिश में हूँ। और ये मेरा टेक्सचर इसमें ट्री का टेक्सचर भी दे दिया मैंने। आप देखें कुछ बुश मैं साथ में मिला रहा हूँ नीचे थोड़ा डार्क सेक्शन ताकि थोड़ा सा रियल फॉर्म आ जाए। और नीचे भी यहाँ पर भी आप देखें कि मैंने थोड़ा सा ब्राउन एंड ग्रीन का यूज़ किया। और ये साइड पे भी हम जब तक हमारा कुछ कलर ऊपर का ड्राई होता है तो हम नीचे का सेक्शन में जो है वाटर सेक्शन करते हैं। वाटर सेक्शन में हम थोड़ा सा वाइट कलर का यूज कर रहे हैं। और वाटर को हमने मिक्स कर दिया। थोड़ा सा और वाइट वाटर में आप वाइट लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा और नेचुरल लगे।
इसी तरह से हम साइड वाले जो है हमारे जो है एजीज है उस पर थोड़ा सा ग्रीन टोन ही दे रहा हूं मैं। कुछ ग्रीन बुश इसके आसपास ट्री के ट्रंक के आसपास देंगे आप और स्मॉल एजीज आप निकालते जाएं। यहाँ यहाँ पे हमने कहीं पे लगा रखा है मास्किंग ग्लू कवर कर दिया आपने यहाँ पे भी है और ये देखिए थोड़ा बिग ब्रश लेंगे और फिर आप थोड़े से बुश बना देंगे यहाँ पर। थोड़ा सा येलो इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम बुश बना रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर तो हमने वहाँ पर भी डार्क कलर दिया ग्रीन एंड थोड़ा थोड़ा येलो अब देखिए मैंने मास्किंग ग्लू के ऊपर भी थोड़ा सा ग्रीन कर दिया और बाकी ट्री के बुश मैं लगाने जा रहा हूँ और ऊपर के बुशेज के लिए मैंने थोड़े से थिक स्ट्रोक्स का यूज किया है। यहाँ पर मैं बुश पहले बना रहा हूँ और ब्रांचेज मैं बाद में निकालूंगा ताकि आपको दोनों तरह से मकसद मेरा यही है कि आप दोनों तरह से कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। देखिए मैंने ट्री के जो है बुश जो है पहले बना दिए अब ब्रांचेज मैं इसकी बाद में बना रहा हूँ। उस तरफ मैंने पहले ब्रांचेज बनाई और फिर मैंने जो है बुश किया था अब बुशेज पहले बना रहा हूँ और फिर ब्रांचेज मैंने सेट कर रहा हूँ। इस तरह से आपको दोनों तरह से काम करने का जो है अनुभव प्राप्त होगा और आप अच्छा काम कर पाएंगे। यहाँ रिक्वायर है आपको ब्रांचेज वहाँ बनाएं और साथ साथ आप जो है डिटेल वर्क पर भी ध्यान दें स्मॉल डिटेल वर्क साथ साथ करते जाएं। अब ब्रांचेज पूरी फुली ना दिखे तो उसके ऊपर फिर थोड़ी सी टचिंग कर देनी है हमें। क्लियर प्रोमिनेंट नहीं नजर आनी चाहिए वो थोड़ा रियलिस्टिक लुक को ख़त्म कर देती है। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट देखिए सारा सेक्शन तैयार है और हम जो है थोड़ा सा और डार्क करते हैं स्ट्री को क्योंकि इधर से लाइट बहुत ही ज़्यादा कम है। आप नीचे के बुश और क्लीन कर सकते हैं तब तक जब तक आपका ट्री का स्टंप ड्राई हो रहा है और आप देखें मैंने बड़े रफली स्ट्रोक्स लगाए हैं
से ज्यादा प्रोमिनेंट चीजें नहीं की हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास ये एक लैंडस्केप का जो है लुक तैयार हो गया और अब हम जो है इसकी मास्किंग ग्लू आप देखिए मैंने रब किया धीरे धीरे और ये हमें जहाँ यहाँ हमें वाइटनेस चाहिए थी वहाँ वहाँ हमें वाइटनेस आ गई। इस तरह से इस सेक्शन को भी रब करें। ये देखिए इस पे भी हम थोड़ा अभी ये ड्राई नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं रब करके आपको दिखा रहा हूँ। आप हमें अब हमें ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको यहाँ वाइटनेस चाहिए वहाँ मास्किंग ग्लू लगा के वाइट कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा टेक्सचर देना चाहता था इसीलिए मैंने इसको लगाया था। मैंने अंदर के सेक्शन में यहाँ यहाँ पर इसके थोड़ा सा येलो थोड़ा वाइट रखना मेरे को क्योंकि मेरे को प्रोमिनेंट वाइट मिल गया है तो मैं वाइट एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहा। आप देखें कि एक खास किस्म की लाइट जब धूप से पड़ती है काफी स्ट्रॉन्ग लाइट होती है तो उसका ही इस तरह से इफेक्ट आ जाता है। आप थोड़ा सा ब्लैक से सपोर्ट कर सकते हैं इस लाइट को। जैसा आपको ठीक सही लगे आप टेक्सचर निकाल सकते हैं और उस वाइटनेस का यूज भी कर सकते हैं। आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है और इस लाइट में आप कहीं कहीं येलो का अगर देना चाहें इफेक्ट तो दे सकते हैं ऑरेंज दे सकते हैं। आप जिस तरह का भी अगर वाटर से टकरा के ब्लू का शेड आ रहा है वो भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम इस तरफ क्योंकि हमने ज़्यादा डाउन नहीं रखा यहाँ पे सामने फ्रंट ही रखा तो यहाँ पर भी हम इसी तरह इस लाइट का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ कोई भी कलर आप टेक्स्चर के अंदर कोई भी कलर आपको जो अच्छा लगता है कि हाँ ये आपकी पेंटिंग में सही लगेगा तो आप डाल लें। और वाइट का यूज हमने यहाँ पर नहीं किया कि हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइट लाइट देना चाहते। कुछ ट्री के टेक्सचर में वाइट कलर सामने दिखाई देता है और उन ट्रीज में आप काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको कवर किया और वो प्रोमिनेंट वाइट मेरा बना के रखा हुआ उसने जैसे ट्री की छाल निकल जाती है तो भी वाइट लुक नीचे से निकल आता है तो उस चीज़ को भी आप जो है इस तरह से दिखा सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा वाइट दे ताकि जो है उसकी स्किन थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी नज़र आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ब्लैक दें साथ में सपोर्ट करें और ये देखिए आप एक अलग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है अगर आपके पास टेक्निक्स और मटेरियल्स हों। देखिए कितना सुंदर ये टेक्सचर इसके ऊपर आया। इसी तरह से हम कटवर्क में इसको भी आप करते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वाइट नज़र आ रहा है आपको वहाँ पे। अगर आप ऐसे आप छोड़ते हैं तो ड्राइंग आपको करना पड़ता है। ड्राइंग करने के वक्त भी कई बार आप ब्रशिंग बुशिंग बुश बनाते हैं तो ब्रशिंग करते रहते हैं ऊपर तो वो ब्रश के जो है स्ट्रोक्स कहीं इस वाइटनेस को ख़त्म कर देते हैं या कई बार रह जाते हैं। तो हम देखिए प्रोमिनेंट वाइट हमने रखा और इसके ऊपर हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हल्का आप चाहते हैं कि लाइट में थोड़ा सा ब्लू टोन देना है तो हम थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर भी दे सकते हैं। वो डिपेंड हमारे पे कि आप किस तरह से इसको आप देखें कितना सुंदर इसका इफेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने ग्लू लगाई हुई है और मैं चाहता था कि यहाँ पे मैं एक स्टोन दूँ डार्क कलर का तो मैं यहाँ पर भी सेम वैसे ही स्टोन को जो है लगा रहा हूँ। देखिए और मेरे को चाहिए था कि स्टोन के टॉप पर मैं वाइट कलर का इफेक्ट ले सकूँ। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी एक जो है स्टोन रखा और स्टोन के मैंने ऊपर टॉप पे वाइट कलर का इफेक्ट लेना है। थोड़े बुश थोड़े से यहाँ पर बुश तो यहाँ पर आप इस चीज़ को जैसे ये कलर ड्राई होता है तो हम इस पे भी जो है मास्किंग ग्लू को जो है रब कर देंगे
लेकिन मास्किंग ग्लू रब करते वक्त थोड़ा ध्यान दें कि ड्राई होनी चाहिए। अगर वो ड्राई नहीं होगी तो आपका पेपर का भी जो है साथ में पार्ट चला जाएगा, उसके टेक्सचर चला जाएगा और फिर आपको मास्किंग ग्लू का कोई इफेक्ट सामने नज़र नहीं आएगा। अब हम लास्ट में डिटेलिंग कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी ताकि इस लैंडस्केप को आप मजा लें। दोनों चीज़ें आपको देखने को मिली, एक तो हमने यहाँ पर मास्किंग ग्लू का यूज़ किया, दूसरा हमने जो है थोड़ा सा आपको टेक्निक्स दोनों के बारे में बताया कि बुश बनाकर भी आप उसकी ब्रांचेस बना सकते हैं और दूसरा ब्रांचेस बनाकर तो बुश बनाते ही हम, तो आप देखें मैंने थोड़ा सा और डिटेल किया। यहाँ पर भी थोड़ा सा मास्किंग ग्लू है तो मैं एक स्टोन यहाँ पर भी ड्रॉ करता हूँ ताकि हम जो है यहाँ पर भी हम एक स्टोन ले सकें। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टोन लिया जा सकता है। तो आप देखें अभी हमारा कलर ड्राई नहीं हुआ यहाँ पे, तब तक हम और डिटेल वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए हमारा ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे कलर ड्राई हो गया, तो अब हम इसके ऊपर से भी मास्किंग ग्लू हटा देते हैं और आप देखें किस फॉर्म में, प्लास्टिक की फॉर्म में ये हमारे पास वापस आ रही है। अब हम देखिए कितना डार्क वाइट सेक्शन है वहाँ पर और हम इसको जो है अब स्टोन की लुक में फिल कर सकते हैं। आप इस फिगर पर कलर कोई देना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आपके पास अब पूरा जो है मौका काम करने का, क्योंकि आपके पास वाइट स्टोन जो है सामने। देखिए इसमें हम कुछ रेड स्टोन भी दे सकते हैं ताकि थोड़ा उसका लुक और दिखाई दे आपको, थोड़ा सा येलो कलर भी टच कर सकते हैं टॉप। हमारे पास देखिए इधर भी हम मास्किंग ग्लू को आप देख क्लोजअप करके दिखाएं ज़रा। यहाँ पे देखिए हमने मास्किंग ग्लू उतार दिया और वाइटनेस हमें मिल गया, यहाँ पर भी थोड़ा सा हमने लगाया था। तो हम इस मास्किंग ग्लू का यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास वाइट जितना हमें चाहिए था है और यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा ब्लू लगाया, थोड़ा सा इसको पर्पल बना देते हैं, थोड़ा सा येलो ताकि मिक्स सा स्टोन का कलर हो इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पे हमने जो है दिया कलर, और आप डिटेल वर्क कर सकते हैं इसका। डिटेल वर्क करते वक्त आप थोड़ा सा और अगर कुछ करना चाहें तो करें, नहीं तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। कुछ वाइट लाइनें मैं किनारे किनारे पर रखना चाहता हूँ, शार्प वाइट। इस तरह से आप बीच बीच में स्मॉल लाइंस जो दें और आप वाटर का लुक भी आपका आ गया। ऑलमोस्ट हमारा ये लैंडस्केप कंप्लीट है और आपने देखा आज मैंने मास्किंग ग्लू का यूज़ किया यहाँ पर, और ज़्यादा मैंने टफ लैंडस्केप भी नहीं किया ताकि आप बड़ा इजीली इसको जो है कर सकें और क्लियर हो जाए सारी बात। तो अब जो है आप इसमें जो है इस टेप को रिमूव करते हैं और टेप को रिमूव करते ही आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। टेप रिमूव करते वक्त भी ध्यान दें कि जो है आपका टेप सही दिशा में
जो है रिमूव होना चाहिए, नहीं तो आपकी लैंडस्केप को भी ये साथ में इफेक्ट कर सकता है। ये देखिए, आप इसका फाइनल लुक देखिए, इतना ब्यूटीफुली हमने इसको जो है बना लिया। और देखिए, और इसके इफेक्ट्स लिए, आप इसका इफेक्ट्स कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर पोर्ट्रेट में ले सकते हैं, नदी के पानी में ले सकते हैं, कहीं भी फ्लो पानी का देना तब ले सकते हैं। तो आज हमने लैंडस्केप आपके सामने बनाया, और इसी तरह से हम आपको और बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों की आप जानकारी हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको और बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।